उधर बड़ी खबर आई रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। रूस की राजधानी मॉस्को पर एक साथ 24 ड्रोन और 2 मिसाइलों से हमला बोल दिया गया। एक साथ इतने ड्रोन से हुए हमले के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में खलबली मच गई। शहर में अलर्ट के सायरन बजने लगे। मॉस्को की सुरक्षा में तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। आसमान में उड़ रहे हमलावर ड्रोनों को देखकर मॉस्को के लोगों में खौफ भर गया। मिसाइलों की गरज से लोग कांप गए। हालांकि रूस ने उनमें ज्यादातर ड्रोन और दोनों मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन शहर की इमारतों से टकरा गए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया। मॉस्को पर हुए इस हमले को यूक्रेन के पलटवार की तरह देखा गया, क्योंकि मॉस्को पर हमले से ठीक एक दिन पहले यूक्रेन पर एक साथ 75 ड्रोन से वार किया गया था। तो कहा जा रहा है कि मॉस्को पर एक साथ 2 दर्जन ड्रोन और 2 मिसाइलें दागकर यूक्रेन ने उसी का बदला लिया। क्योंकि जंग के 21 महीने होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब रूस की राजधानी को इस तरह निशाना बनाया गया। मॉस्को पर पहले भी कई बार ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों से वार की उम्मीद तो शायद मॉस्को की सुरक्षा में लगी रूसी सेना को भी नहीं रही होगी। और रूस ने हमेशा की तरह दावा किया कि मॉस्को को बचाने के लिए तैनात डिफेंस सिस्टम ने 24 में से 23 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन शहर की एक इमारत से टकरा गया। रूस के मुताबिक यूक्रेन की 2 मिसाइलों को भी मार गिराया गया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हालांकि एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। और मॉस्को पर इस हमले को यूक्रेन के पलटवार की तरह देखा गया, क्योंकि रूस की राजधानी पर हुए हमले से कुछ ही घंटे पहले रूसी सेना ने कीव पर जंग के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला था। और यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाने के लिए एक साथ 75 से ज्यादा ड्रोन भेज दिए थे। यूक्रेन पर हुए इस सबसे बड़े हमले का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो कीव पर हुए हमले का बताया गया। वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान में एक के बाद एक कई बार तेज रोशनी होती नजर आई। यूक्रेन के मुताबिक ये रोशनी ड्रोन के आसमान में ही फट जाने की वजह से हुई। मतलब ये कि कीव के आसमान की सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम ने रूस के शाहिद 136 ड्रोन को हवा में ही ढेर करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस दौरान कीव में खलबली मची रही, अलर्ट के सायरन बजते रहे। हमले के बाद के हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू की टीमें सड़कों पर उतर आईं। दूसरी तरफ यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहे थे, और यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन मार गिराए। लेकिन कीव पर हुए इस हमले के बाद पिछले हफ्ते दिए गए पुतिन के एक बयान पर चर्चा शुरू हो गई, जिसमें पुतिन ने यह कह दिया था कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने यह बयान 22 नवंबर को उस वक्त दिया था जब वो G20 देशों की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें पुतिन ने यह कह दिया था कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने यूक्रेन की जंग को त्रासदी तक बता दिया था। पुतिन के बयान के बाद ऐसा लगा मानो यूक्रेन की जंग के अब कुछ ही दिन बचे हों। यानी 21 महीनों से चल रहे युद्ध का आखिरी वक्त आ गया। लेकिन उनके बयान के 3 दिन बाद ही कीव पर सबसे बड़ा हमला कर दिया गया, और उसका जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी रूस की राजधानी को निशाना बना लिया। माना जा रहा है कि इन दोनों हमलों के बाद जंग की आग धीमी पड़ने की बजाय और भड़क सकती है।